हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रजनी वी व्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, छत पे हम गार्डन है हमारा छोटा सा, वो दिखा देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ दो पेड़ लगे हुए हैं सदाबहार के, और ये कितना हरा भरा सा है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। और बहुत सारे फूल इसमें खिले हुए हैं, ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरे साइड में भी कुछ पेड़ लगे हुए हैं, तो चलिए वो भी दिखा देते हैं आपको। और इधर हल्की सी धूप आ रही है, अभी शाम हो गई है लेकिन हल्की सी धूप आ रही है। तो ये देखिए, यहाँ भी एक पेड़ लगा है सदाबहार का, इसमें भी बहुत सारे फूल निकले हैं। और एक तरफ एलोवेरा लगा हुआ है, ये देखिए क्योंकि सब्ज़ी, और ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए फिर फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ मैंने लिया सफ़ेद कद्दू और इसको हम कट करेंगे। तो सफ़ेद कद्दू को हमने इस तरीके से छील के और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। और ये देखिए, यहाँ मैंने उड़द का दाल भिगो दिया है, और भिगोने के बाद हमने इसको धुल लिया है, और इसको अब हम पीस लेंगे। और यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के रखा है, ऑयल गर्म हो गया है तो हम इसमें डालेंगे जीरा, और जीरा हमारा चटक रहा है तो हम इसमें डालेंगे कुछ दाने मेथी के, और ये भी चटक रहा है तो अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च, और इसको हम चलाते हुए लाइट गोल्डन होने तक भून लेंगे अच्छे से। और प्याज हमारा लाइट गोल्डन हो गया है, भून गया अच्छे से, तो हम इसमें डालेंगे मसाले। और मसाले में हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, इसको हम एक मिनट चलाते हुए भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे, ध्यान रखें जले ना। और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच धनिया पाउडर। और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, चला लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन प्याज का पेस्ट, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसको हम चलाते हुए तेल छोड़ने तक मसाले को हम भून लेंगे अच्छे से। और ये देखिए, मसाला हमारा भून गया अच्छे से, तो अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई उड़द की दाल। और उड़द की दाल वाली जब इस तरीके से आप सब्ज़ी बनाएंगे सफ़ेद कद्दू की, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने तो इसको पहली बार बनाया, पहली बार खाया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो हम दाल को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और हमने इसमें डाला है दो चुटकी हींग, और हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और हमने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी, और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और चलाते हुए हम इसको भून लेंगे एक दो मिनट के लिए। तो ये देखिए, एक दो मिनट के लिए हमने चलाते हुए इसको भून लिया है, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया है, लगभग आधा पक चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे सफ़ेद कद्दू, और मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। और अगर आप लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। और वीडियो देख ही रहे हैं तो एक लाइक भी कर दीजिए। तो हमने सब्ज़ी डाल के अच्छे से भून लिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे डेढ़ छोटी चम्मच नमक, और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें जितना आप खाते हो। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये देखिए, सब्ज़ी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और चलाते हुए इसको भून लिया है, और हमने इसमें पहले नमक डाला है, और सब्ज़ी अपना पानी छोड़ दिया है, ये देखिए गीला हो गया है और भी ज़्यादा। तो अब हम इसमें डालेंगे लगभग दो गिलास पानी, और मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। और उसके बाद अगर कम होगा तो हम इसमें और डालेंगे, तो इसको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो हमने इसको प्लेट से ढक के और दो से तीन मिनट हम अच्छे से इसको पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए, दो तीन मिनट हो गया है, तो अब इसको हम खोल के चला देंगे, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से।
और ये देखिए सब्ज़ी हमारी पक चुकी है, तो चला लेते हैं इसको अच्छे से। और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस तरीके से आप सफ़ेद कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो गैस को हमने बंद कर दिया है और अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और ये देखिए सब्ज़ी को हमने प्लेट में निकाल लिया है और ये सब्ज़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी ये सफ़ेद कद्दू की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें नोटिफिकेशन के लिए, इससे आने वाली हर वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।